कि लोग स्वामी के जीती सोनी पर पुलिस का शिकंजा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब तक पुलिस द्वारा अलग अलग थानों में 27 से अधिक शिकायत दर्ज कर चुकी है। वहीं इनाम 30,000 कर चुकी है। वह जीतू सोनी पर 1,00,000 का इनाम करने हेतु राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है। इंदौर के सांध दैनिक अखबार के जीतू सोनी पर पुलिस का शिकंजा लगातार अब बढ़ता ही जा रहा है। अब तक पुलिस जीतू सोनी व अन्य साथियों के खिलाफ कई मामले पंजीबद्ध कर चुकी है। वहीं जीतू सोनी की गिरफ्तारी के लिए टीम अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही है, लेकिन जीतू सोनी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। वहीं आज एसएसपी रुचि वर्धन मिश्र ने पत्रकार वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि जीतू सोनी पर महाराष्ट्र के रहने वाले फरियादी ने एक रिपोर्ट और दर्ज करवाई है, जिसमें स्थान से सांध दैनिक अखबार का संचालन किया जा रहा था। वह भी धोखाधड़ी पूर्वक जमीन पर कब्जा किया गया था। बहरहाल पुलिस को लगातार जीतू सोनी के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद एक शिकायत सेल का गठन किया गया है, जिसमें जीतू सोनी से पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वहीं पुलिस अब जीतू सोनी के अन्य संपत्ति की भी जांच कर उसकी पूर्ति करने की कार्रवाई करेगी। वहीं जीतू सोनी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करवाया गया है। वहीं अब तक तो सोनी पर 30,000 का इनाम घोषणा की गई, अब इनाम की राशि 1,00,000 की उद्घोषणा की गई है। फिलहाल पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्थित लोक स्वामी प्रेस की लीज की निरस्त कर दी है। वहीं किया अखबार के घोषणा पत्र को निरस्त किया गया। वहीं अधिमान्यता व आर्म लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया। जीतू सोनी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है लगातार प्रयास। कल दिनांक को आवेदक रविंद्र पंडित कार्यालय में उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि संझा लोकस्वामी का कार्यालय, जो आरोपी जीतू सेन सोनी के द्वारा चलाया जा रहा था आईडीए के भूखंड पर, उस पर अवैध रूप से कूटरचित दस्तावेज बनाते हुए धोखाधड़ी करके उस संपत्ति पर उसके द्वारा कब्जा किया गया था। और उसके बाद जो दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए, उसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदक के द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण में आवेदन करके 1987 में उनके समाचार पत्र दैनिक नवीन के लिए प्रेस कॉम्प्लेक्स में वो भूखंड, जो भूखंड क्रमांक 23 है, वो आवंटित उसको हुआ था आवेदक को, और इसका पंजीयन उसने वर्ष 1988 में अपने नाम से कराया था। 1988 से 91 तक वह उस पर काबिज रहा, अपना समाचार पत्र वो का कार्यालय वहाँ चलाता रहा। उसके बाद कुछ व्यापार में आई परेशानियों के चलते उसको इंदौर छोड़ करके जाना पड़ा। बाद में जब उसने पता किया तो उसको पता चला कि जीतू सोनी नाम का व्यक्ति वहाँ संझा लोकस्वामी का कार्यालय चला रहा है। इसमें जब उसके द्वारा जानकारी ली गई तो उसे ज्ञात हुआ कि आवेदक के ही साथ में काम करने वाले एक रविंद्र कुमार निगम के द्वारा वर्षों तक उस स्थान का उपयोग करने के बाद धोखाधड़ी करने की नीयत से जीतू सोनी को छल पूर्वक उस स्थान का कब्जा सौंप दिया गया था। और ये बात ज्ञात होने पर जब आवेदक ने प्रयास किया, उसके बाद भी जीतू सोनी की धमकी, भय और आतंक की वजह से वह कभी भी इंदौर लौट नहीं पाया। उसके पश्चात उसने इस बारे में और पड़ताल की और आरटीआई के तहत जब जानकारी निकाली तो उसे ज्ञात हुआ कि जो उसका मूल समाचार पत्र था वह दैनिक नवीन के नाम से इंदौर विकास प्राधिकरण में और आरएनआई में दर्ज था, लेकिन रविंद्र निगम और जीतू सोनी द्वारा षड्यंत्र पूर्वक दैनिक नवीन टाइटल के कूट रचित दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज तैयार करके उसे नवीन इंदौर के नाम से दर्ज करा दिया गया और उस स्थान पर कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया। आरटीआई की जानकारी के अनुसार उसे ज्ञात हुआ कि नवीन इंदौर, जो बाद में इनके द्वारा फर्जी तरीके से दर्ज कराया गया, उस नाम से कोई भी समाचार पत्र रजिस्टर्ड नहीं है। उसके पश्चात भी संझा लोकस्वामी के संबंध में भी किस प्रकार से वहां पर आधिपत्य लिया गया है, यह भी स्पष्ट नहीं है। आवेदक की रिपोर्ट पर